I guess this we are live. Let us share the feed first and then क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होंगे जो हमें लाइव कैचअप करना चाहेंगे. मैं पहले फीड शेयर कर देता हूँ और देन लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन. मैंने फीड शेयर कर दिया, तेरे पास भी आ गया होगा, आपके पास भी आ गया होगा, आप भी फीड शेयर कर. Let us start. So welcome Devin Chetiwal. I usually Hello. Do not call him Devinder. We usually call each other Dev and Shival. So I will be using the common nomenclature rather than using the full name. So Dev has been a very close friend for years now. We have been roommates at certain point of time. But more than that, he is very accomplished teacher in his own way. He has over 7 years of teaching experience with IITPACE, 5 years of teaching experience with Resonance, and a very accomplished physics teacher. Inka feedback se dekhe, number of ranks he has given in IITJ are tremendous. So this is a very good opportunity for a student to listen to his views on what are the problems or what are the do's and don'ts for IITJ preparation. So from this point onwards, I will hand over the stage to Dev and ask some questions so that we could start with the discussion. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये देव कि हम ऐसा करते हैं क्योंकि डिस्कशन तो बहुत बड़ा है शायद और इतनी 2-3 साल की जर्नी को कुछ आधे घंटे के अंदर समराइज कर पाना तो पॉसिबल है नहीं. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टूडेंट कि जो आईटीजे की पूरी लाइफ साइकिल है वहां से स्टार्ट करते हैं पूरे डिस्कशन को. तो जैसे कि स्टूडेंट क्लास 10th के अंदर है, मेरे ख्याल से अब तो और भी पहले से स्टूडेंट प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन तो ये कि स्टूडेंट को प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए आईटीजे. For such a nice introduction, and देखिए जैसे स्टूडेंट जैसे 10th क्लास में है, जैसे अब ये तो एक अलग ही डिबेट है कि बच्चे को प्रिपरेशन 10th क्लास के बाद से स्टार्ट करना चाहिए. आजकल तो 6 से प्रोग्राम प्लान आ गए हैं, 6 से, हां 6 क्लास से लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं. बट व्हाट इज द ऑप्टिमम एज दैट यू फील इज सफिशिएंट होता है ना, एक ओवरकिल होता है. हां मेरा पर्सनली है कि बच्चे को 10th क्लास से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है. और मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक स्टूडेंट है जो 10th क्लास उसने जस्ट क्लियर किया है और अभी वो 11th क्लास में जा रहा है, ठीक है. और स्टूडेंट नॉर्मली इंजीनियरिंग की तरफ जाने का डिसीजन लेते हैं इस बेसिस पे कि उनके 10th में मैथमेटिक्स में मार्क्स बड़े अच्छे हैं, उनको मैथ्स बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है. तो और वो आईटीजेई आईटी में जाने की सोच रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि 10th क्लास में, मतलब डरने की बात नहीं है, 10th क्लास में और 11th क्लास में एक बहुत बड़ा गैप है. और जो मैथमेटिक्स हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं और जो मैथमेटिक्स आईटीजेई में आप लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले हो उसमें भी अच्छा खासा गैप है. 10th क्लास में मार्क्स लाना बहुत आसान है क्योंकि जो स्कूल है या जो बोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो राइटिंग स्किल है उसको चेक करता है. सही बात. I guess there is a lag. I guess there is some lag because कुछ आवाज कट रही है बीच में थोड़ी सी. नहीं मेरे को तो आवाज बहुत क्लियर आ रही है. तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ. या तो कोई स्टूडेंट जैसे बोर्ड आपका स्कूल आपका चेक करता है, वो आपकी सिर्फ राइटिंग स्किल है. आपने कुछ चीजें पढ़ी, उसको याद किया, उसी टाइप के क्वेश्चन है आपने लिखा, आपने प्रेजेंटेशन स्किल अगर आपकी अच्छी है तो बोर्ड में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. लेकिन अगर आप आईटीजेई की बात करें तो आईटीजेई आपकी जो एनालिटिकल स्किल है या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने लर्न करे हैं उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आप कितना अच्छे से कर पाते उस चीज को चेक करता है, ठीक है. तो ये दो डिफरेंस है. तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में, जैसे अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपके दिमाग में 2 साल का एक कमिटमेंट होना चाहिए अपनी स्टडीज को लेके. बोर्ड जैसा नहीं चलेगा या जो स्कूल वाला है उस टाइप का चीजें नहीं चलेगी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. और मैं तो स्टूडेंट को ये सजेस्ट भी करता हूँ कि उनको कुछ ना कुछ कोचिंग क्लासेस जरूर ज्वाइन करनी चाहिए. ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए एक सेपरेट डिबेट है. नहीं तो जैसे अभी ये डिबेट हमने स्टार्ट करी दी है तो इसमें 2-3 डिबेट हैं. तो पहला कि क्या है कि एवरेज स्टूडेंट का, एवरेज इंटेलिजेंस का स्टूडेंट आईटीजे की प्रिपरेशन कर सकता है, पहला क्वेश्चन तो ये. अच्छा जैसे
अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस भी करूं कि एवरेज स्टूडेंट आईटीजेई की प्रिपरेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो अगर हम अपना पुराना आईटीजेई का पैटर्न देखें तो 90s में या फिर अर्ली 2000 में 2001, 2003, 2004, 2005 तक, तो आईटीजेई का जो क्वेश्चन का जो टाइप था वो बड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन होते थे, और उन क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपके पास एक मिनिमम ब्रेन या मिनिमम आईक्यू होना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन पिछले 10-12 साल से, क्योंकि मैं, मुझे भी 10-12 साल का टाइम हो गया इस फील्ड में, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से बाकी जो भी टीचर्स है वो सब ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आईटीजेई ने अपने लेवल को डाइल्यूट तो कर दिया, अपने लेवल ऐसे क्वेश्चंस के लेवल को डाइल्यूट तो कर दिया है, तो एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत आसानी से उस आईटीजेई में एक डिसेंट रैंक अचीव कर सकता है। जैसे मैं दो केस लेता हूं, एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छी आईक्यू का है और मेहनत कम करता है, और एक स्टूडेंट है जो एवरेज आईक्यू लेवल का है लेकिन वो मेहनत कर रहा है, चीजों को जो भी उसको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं वो डेली बेसिस पे कर रहा है और अपनी प्रिपरेशन को उसी कमिटमेंट के साथ पूरा कर रहा है, तो मैं सेकंड वाले केस को ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि उस बच्चे के सेलेक्ट होने के चांसेस और अच्छी रैंक में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, आईक्यू और कमिटमेंट, ये तो फिर डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। सही बात। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे भी हैं अपने इस 10-12 साल की जर्नी में, जो एवरेज आईक्यू है और बहुत अच्छी रैंक उन्होंने स्कोर करी, लेकिन वो कमिटमेंट चाहिए 2 साल का, फिर 2 साल के लिए फिर आपका सिर्फ और सिर्फ आईटीजेई पे फोकस। मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, इसमें क्लैरिटी ऑफ गोल एक मैंने देखा है स्टूडेंट्स के अंदर बहुत लैकिंग होती है, पढ़ते पढ़ते उनको फिजिक्स अच्छी लगने लगती है फिर वो फिजिक्स में पीएचडी करने लग जाते हैं, मैथ अच्छी लगती है तो मैथ के पीछे पड़ जाते हैं, वो क्लैरिटी ऑफ गोल मिसिंग हो जाती है कहीं ना कहीं कि बेसिकली अपन आईटीजेई पढ़ने के लिए आए थे, तो तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आई मैथ्स बहुत अच्छी आई तो आप आईटीजेई निकाल लोगे, अच्छी रैंक आ जाएगी, तीनों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के नेचर भी है, जहां तक मुझे समझ में आता है, करेक्ट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भी बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है सब्जेक्ट के नेचर जैसे मैथमेटिक्स प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, अगर मैथ्स में आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ज्यादा कुछ आप कर नहीं पाओगे, फिजिक्स बहुत अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड है, समझ ही नहीं आ रहा तुमको तो तुम बहुत प्रैक्टिस करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा रिटेंशन ओरिएंटेड है, अगर तुम्हें याद नहीं रहता ना तो फिर तुम नहीं कर सकते, अब तुम बोलो कि भाई मुझे याद नहीं रहता मैं क्या करूं मैं सब्जेक्ट ही छोड़ देता हूं, तो उससे कोई रैंक पे तुम्हें फायदा होने वाला नहीं। इनफैक्ट एक स्टूडेंट था मुझे उसकी कहानी याद आ रही है, उसके अंदर वो डेडली कॉम्बिनेशन की तुम बात करो ना तीनों चीजें थी, जनरली हाई आईक्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको याद करना एकदम मतलब बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो स्टूडेंट ऐसा था उसको याद करना भी पसंद आता था, कर लेता था वो याद, जहां दिमाग लगाना था वहां दिमाग भी लगा लेता था, समझ जाता था समझ भी लेता था, उसकी रैंक 25 है, मतलब काफी अच्छी रैंक उसने स्कोर करी जेई के अंदर, रीजन यही था कि उसने किसी भी चीज को हाईलाइट नहीं किया और अपना वो हैंडीकैप नहीं बनाया इन द लॉन्ग। नहीं, बिल्कुल सही बात है, जैसे मैं भी अपने यही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन सब्जेक्ट है, तीनों को इक्वल प्रायोरिटी पे रखना है, जैसे उनकी जैसे अच्छे स्टूडेंट की अगर मैं खास बात बताऊं तो उनकी खास बात यह है कि जो सब्जेक्ट वीक है जैसे केमिस्ट्री वीक है फॉर एग्जांपल, तो वो लोग केमिस्ट्री पे ज्यादा मेहनत करते हैं, तो ये उन स्टूडेंट का जो विल पावर है जो थॉट प्रोसेस है ये मुझे भी कई बार इंस्पायर करता है कि यार मुझे पता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है मेरा टॉपिक वीक है और उस पर मैं बहुत मेहनत करके उसको बहुत डिसेंट लेवल पे लेके चला जाता हूँ, तो ऑब्वियसली फिर आपको कौन रख सकता है, कोई नहीं रोक सकता, तो ये चीज मैंने अच्छे डिसेंट बहुत अच्छी रैंक वाले बच्चों के साथ देखा है, ये कॉमन देखा है मैंने चीज। अच्छा, ये अपन ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले डिबेट भी कर लेते हैं एक बार कि ऑनलाइन मेथड के क्या फायदे हैं और ऑफलाइन मेथड के क्या फायदे, जैसे अभी तो बाई फोर्स ऑनलाइन हो ही गया, बच्चों के पास ऑप्शन नहीं ऑनलाइन पढ़ना है। सही बात। लेकिन जैसे ऑफलाइन का अगर हम बात करें तो बना हुआ है, बहुत पहले से ऑफलाइन तरीके से पढ़ते हुए आए हैं, उसी में पढ़ा रहे हैं, बच्चा भी बहुत टाइम तक ऑफलाइन तरीके से तो उसे यूज टू रहता है, ऑफलाइन से ऑनलाइन में जाने पर उसका थोड़ा सा इनर्शिया है कि यार पता नहीं वीडियो देखूंगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों से जब बात भी होती है तो बच्चों की ये जनरल शिकायत भी रहती है कि सर 1.5 घंटे का वीडियो हमने देखा और 1.5 घंटे का वीडियो देखने के लिए उसे कॉपी करने में हमें 3 घंटे का टाइम लग गया और देखने पर लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 3 वीडियो हमने देखे तो आंखों में बड़ा स्ट्रेन आ रहा है, सिर दर्द कर रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो ये उसके डिमेरिट है। लेकिन ऑनलाइन का एक प्लस पॉइंट ये है कि जैसे आपका कोई चैप्टर छूट गया तो आपके पास वो वीडियो अवेलेबल है, आप जिस टाइम फ्री हैं उस टाइम पर देख सकते हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई क्लास मिस कर दी तो वो टॉपिक आपको दोबारा से कोई पढ़ाए और उसी टॉपिक को अगर आप दोबारा से खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे सेल्फ स्टडी तो 1.5 घंटे के कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए सीखने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम लगाना पड़ेगा और उस लेवल का कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा जो रेगुलर क्लास में मिलता है। सही
तो दोनों के अपने प्लस है, दोनों के अपने माइनस है। मुझे ऐसा लगता है बेसिकली कॉन्फिडेंस जो क्लास के अंदर आता है वो आधा टीचर का भी होता है। मतलब जैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं सब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट मुझे देख के कॉन्फिडेंट फील करने लग जाएगा, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचेगा बेसिकली कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है मेरी कितनी प्रैक्टिस के बाद आया होगा। वो टिकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है उस चीज को। ऑनलाइन के अंदर पूरा ऑनर्स उसकी बार शिफ्ट हो गया कहीं ना कहीं, तो उसको तुरंत दिखाई देता है, तुरंत उसको समझ में आ जाता है नहीं यार नहीं आ रहा। और उसको वो जो चीज हमको बहुत, अब लाइफ साइकिल में आगे बढ़ते हैं तो जाके आगे जाके जब रियलाइज होती थी वो उसको बहुत पहले रियलाइज होती थी। तो दूसरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही कि अब क्या, जैसे कि आपने कोचिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम फेस करता है और उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। जैसे मैं एक आइडियल स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ कि एक जैसे कोई भी कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उस कोचिंग में कुछ स्टेप्स होती है जिनके थ्रू आपको वो ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप होती है क्लासेस, लेक्चर क्लासेस। तो आपको रेगुलरली वो सारे के सारे लेक्चर क्लासेस अटेंड करने चाहिए। अगर आपने कोई भी एक लेक्चर मिस कर दिया तो क्योंकि अगला लेक्चर इससे रिलेटेड है तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, तो वो जो बैकलॉग भी बनता जाएगा ना, वो बैकलॉग आगे जाके बड़ा डैमेज करता है और इसके चक्कर में पूरा का पूरा चैप्टर खराब हो जाता है। तो पहला लेक्चर है। दूसरा ये है कि आपको क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए, टीचर ने जो क्लास में बोला है उसको करेंगे तो ये नोट्स बड़ा काम आने वाले हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है और एग्जाम से कुछ पहले आप बुक्स को खंगालने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग है और इम्पोर्टेंट चीजों को आप स्टैक भी नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो चीज है वो ये है कि जो क्लासेस में डेली असाइनमेंट दिया जाता है, चाहे वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट दी जाए या फिर मॉड्यूल्स दिए जाए, उन सब चीजों को आपको करना चाहिए डेली बेसिस पे। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे नहीं करेंगे तो, क्योंकि हर दिन वी हैव टू लर्न समथिंग, आपने ये छोड़ा बैकलॉग हो गया, फिर वो आगे मैनेज नहीं हो पाएगा। इसको मैनेज करोगे तो आगे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो रेगुलर डेली बेसिस पे आपको करना चाहिए। और सबसे जो लास्ट पार्ट है वो है पेपर, और पेपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पेपर हमें ये बताता है कि हम बेसिकली स्टैंड कहाँ पे करते हैं, ठीक है। पेपर को बहुत वाइजली अटेम्प्ट करना चाहिए, और पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो आईआईटी जेई में आपको लिमिटेड टाइम में मिनिमम मिस्टेक के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंटेंट तो आपका होना ही चाहिए स्ट्रॉन्ग, उस कंटेंट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छे से होगी तो आप उस कंटेंट को उस लिमिटेड टाइम में एक्यूरेसी के साथ डिलीवर कर पाएंगे। और इन द एंड ये कॉम्पिटिशन है, रेस टाइप की चीज है, जो तेज भागेगा, जल्दी भागेगा, फास्ट भागेगा वही जीतेगा भाई। और मैं स्टूडेंट को एक चीज एडवाइस करता हूँ कि यार थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए, उससे माइंड भी खुश रहता है और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। बिल्कुल करना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो डायमेंशन है कुछ ह्यूमन लाइफ के, जैसे कि इनफैक्ट मैंने एक आपके लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो माइंड के अंदर साइकोलॉजिकल बैलेंस लेके आती हैं। आजकल एक बैलेंस का बहुत मेजर इशू है स्टूडेंट की लाइफ के अंदर कि बैलेंस नहीं है। मतलब दो दिन तो पढ़ाई करते हैं फिर कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो जेई निकाला उसके पीछे वन ऑफ द रीजन ये था, मैं बहुत मेंटली बैलेंस था पूरी जर्नी के अंदर, क्योंकि अप एंड डाउन तो आते हैं, कभी स्कोर अच्छा आएगा, कभी स्कोर अच्छा नहीं आएगा, कभी क्लास समझ में आती, कभी क्लास समझ नहीं आती, कभी असाइनमेंट होता है, कभी असाइनमेंट नहीं होता, टेस्ट में खराब नंबर भी आते हैं, अच्छे नंबर भी आते हैं। तो उसमें स्टेबलाइज अगर स्टूडेंट रहता है ना तो कहीं ना कहीं उसको फायदा करता है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस विल डेफिनेटली है, और गुड डाइट ऑल्सो हेल्प मेरे ख्याल से। अगर प्रोसेस फूड कम खाएं थोड़ा दिमाग बेटर चलता है, वो बात तो है, और बीमार भी कम पड़ता है इंसान ना। बिल्कुल, दिमाग का बैलेंस रहना तो बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पेपर में नंबर खराब आ गए तो आपको एनालाइज करना है भाई क्यों खराब आए, क्या रीजन था। मुझे टॉपिक नहीं आता तो रीड करो दोबारा से, आपकी प्रैक्टिस कम है तो प्रैक्टिस और बढ़ाओ, आपसे पेपर छूट गया तो टाइम मैनेजमेंट करो, और अगर आपसे सिली मिस्टेक हो रही है तो भाई उस चीजों को मैनेज करो कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, अदरवाइज स्ट्रेस रहेगा जबरदस्ती का। तो और पेपर अच्छा होता है तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, उससे और अच्छा करने की कोशिश करो। पेपर अगर खराब हो गया तो अगली बार उसको और अच्छा करने की कोशिश करो, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, काम करो, रेक्टिफाई करो, इंप्रूव करो, आगे बढ़ो। सही बात। अच्छा, एक साल हो गया स्टूडेंट को ऐसे ही करते करते, तो एक साल के बाद उसकी क्या फीलिंग्स होती है, और एक साल के बाद जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 11th से 12th में जाते हैं या 11th खत्म हो जाता है 12th में एंटर कर रहे होते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होती है और उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स। जैसे अगर आपने 11th क्लास से क्लियर करके आप 12th क्लास में पहुंचे हैं तो इसमें दो सिनेरियो हैं।
एक सिनेरियो है कि एक बच्चा ऐसा है जिसने 11th क्लास में कोचिंग करी है, एक बच्चा ऐसा जिसने 11th क्लास में कोचिंग नहीं करी, वो 12th में एकदम से आ गया है। तो दोनों के लिए मेरा एडवाइस तो ये रहता है कि भाई जो 12th क्लास के टॉपिक्स आपके कोचिंग के साथ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बच्चा कोचिंग के साथ ही चीजें कर रहा है, तो 12th क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो कोचिंग के साथ साथ ही आपको निपटाने हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से डेली असाइनमेंट पढ़ा, नोट्स बनाए, डेली असाइनमेंट, लेकिन 11th का जो टॉपिक है उसको वीक नहीं छोड़ना है, उसको आप टारगेट बना के उसे, जैसे 2 वीक का आपने टारगेट ले लिया, जैसे आज से आपकी 12th क्लास स्टार्ट हुई है तो आज से ही आपने 2 वीक का टारगेट ले लिया कि 2 वीक में मुझे फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, मैथ्स का एक टॉपिक, एक चैप्टर रिवाइज करना है, उसको रिवाइज करते चलो। अब इसमें होगा ये कि 12th के साथ साथ आपको टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो जैसे जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं या जो भी असाइनमेंट आप करें उसके ऑल्टरनेट क्वेश्चंस कर लो एक बार, फिर जब रिवीजन का टाइम आया तो बाकी बचे हुए कर लो, इस टाइप से आप मैनेज करो। और 12th में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, बोर्ड का भी प्रेशर रहेगा और प्रैक्टिकल्स का भी प्रेशर रहेगा, लेकिन जो अभी जो 2020 में जो लोग 12th क्लास में है उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि COVID-19 के चलते गवर्नमेंट ने सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है तो थोड़ा सा बोर्ड में आपको कम टाइम लगाना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली कहना तो बच्चों को ज्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए और सिलेबस कम होते जा रहा है, ये बोल सकते हैं। लेकिन IIT जेईई ने तो क्लियर किया कि वो अपना सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, उसका सिलेबस कोई लॉजिक ही नहीं है, क्या लॉजिक, सबके लिए बराबर है। अच्छा, ये बुक्स कितनी करनी चाहिए, कितनी बुक्स करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस करनी चाहिए, क्योंकि स्टालिन ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मुझे याद आती है, स्टालिन ने बहुत अच्छी बात कही थी, स्टालिन ने बोला था कि क्वांटिटी हैज अ क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी बुक्स होनी चाहिए प्रिपरेशन में, इसके ऊपर एक बार आपकी क्या राय। अब जैसे क्वांटिटी या क्वालिटी, मुझे लगता है दोनों इंपॉर्टेंट है, बट क्वांटिटी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फिजिक्स का मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, जैसे मान लो एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी इज यू प्लस ए टी, तो आपने एक क्वेश्चन ऐसा किया जिसमें वी दे रखा है, यू दे रखा है, ए दे रखा है, टी पूछ लिया, फिर अगला क्वेश्चन आप करें जिसमें वी दे रखा है, यू दे रखा है, टी दे रखा है, ए पूछ लिया, तो वो फर्जी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो क्वांटिटी बिल्कुल करना चाहिए, बच्चे को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट उन क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा चेंज तो होना चाहिए, चेंज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, चेंज इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट मिक्सिंग, होना चाहिए। हाँ, और बुक्स तो यार जितना टाइम मिले करना चाहिए, मतलब जितना कर सको उतना करना चाहिए। जैसे टीचर गाइड, जैसे फिजिक्स की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो IIT JEE का बच्चा फिजिक्स के लिए नॉर्मल NCERT से रीड करना चाहिए, एक नॉवल की तरह, ये मेरा पर्सनल है, उसे रीड करना चाहिए। और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप हैं उसके मॉड्यूल DPPs आपको बिल्कुल करने चाहिए, A to Z लास्ट तक। आपको HC Verma पूरी सॉल्व करनी चाहिए और आपको इरोडोव के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब जैसे बहुत सारे बच्चे इरोडोव तो, यार ये करना तो चाहिए, ऐसा नहीं कि रोडोब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्रोटो भी करना चाहिए, लेकिन वो टीचर से आप सजेशन ले लो कि सर इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। सारे करोगे तो जबरदस्ती टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस से बाहर है, तो उसमें लिमिटेड क्वेश्चन जिसमें JEE के कॉन्सेप्ट मिक्स है उनको जरूर करना चाहिए। तो वो टीचर की हेल्प से, टीचर की गाइड से आपको इरोडो भी करना चाहिए, पाथ फाइंडर भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। अब ठीक है, एक स्टूडेंट है जो IIT JEE अपीयर कर रहे हैं, उनके एग्जाम बार बार डिले होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है कि नॉर्मली बच्चों ने प्रिपेयर किया था कि अप्रैल में एग्जाम होगा और लेकिन COVID-19 के चक्कर में चीजें डिले हो रही है। तो अब देखो यार, इसमें 12th के बच्चे भी एग्जाम दे रहे थे और 12th पास करने वाले रिपीटर बच्चे भी एग्जाम दे रहे थे, तो अगर अप्रैल में एग्जाम होता तो रिपीटर बच्चों को फायदा था। क्यों फायदा था? क्योंकि 12th क्लास वाले बच्चे बेचारे बोर्ड्स और इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे, इतना टाइम नहीं मिला JEE के लिए। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको एक्सटेंड करने पर, पेपर शिफ्ट करने की वजह से 12th वाले बच्चों को टाइम मिल गया, और ऐसा मान लो कि उनका आधा साल ही ड्रॉप टाइप से हो गया, तो उनके पास सफिशियंट टाइम, तो अब वो कॉम्पिटिशन बढ़ गया। हाँ, तो उन बच्चों को जो रिपीटर बच्चे थे उनको अब इनसे एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलेगा, पहला बात। दूसरी चीज ये कि जैसे कुछ बच्चे जिनकी अप्रैल के हिसाब से प्रिपरेशन बड़ी अच्छी थी और वो हमेशा कुछ लोगों से लीड कर रहे थे, लेकिन कोरोना के चक्कर में, इस COVID-19 के चक्कर में लोगों ने क्या किया, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा लूज कर दिया, और प्रिपरेशन को उन्होंने लूज किया लेकिन जो पीछे वाले बच्चे थे उन्होंने प्रिपरेशन को बूस्ट कर दिया, तो आगे निकल गए।
तो अब जो कंपटीशन है ना, वो कंपटीशन का लेवल एकदम से बढ़ गया है। मतलब अब होगा ये कि जो इन जनरल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ या इन जनरल कट ऑफ है वो भी ऊपर जाएगी, और एक रैंक, एक मार्क्स पर, दो मार्क्स पर जो रैंक है ना, उसका वेरिएशन भी अच्छा खासा आने वाला है। तो अब कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ गया। तो मेरा सजेशन तो उन बच्चों को ये रहेगा कि भाई एग्जाम कभी भी हो, डजंट मैटर, आप अपनी प्रिपरेशन को उसी लेवल पर, उसी स्केल पर रखते रहिए। देखिए बोलना बड़ा आसान है लेकिन उस चीज को कंटिन्यू करना डिफिकल्ट होता है, आई नो, लेकिन ऑप्शन क्या है? अगर हम उस टाइम पर लूज पड़े और कोई पीछे वाला आगे निकल गया, तब भी तो यार खराब हो गया ना। एक साल पूरी मेहनत करी, आगे चलते रहे और अभी पीछे वाला आगे निकल गया, तो वो खराब लगेगा। इसलिए प्रिपरेशन को उसी स्केल पर, उसी लेवल पर बिल्कुल चलाओ और बस मेहनत करते हो, सब होगा, एग्जाम देखा जाएगा। अच्छी बात है ना, पेपर्स ज्यादा करो और रिवीजन बार बार करो, बोरिंग होगा लेकिन कोई बात नहीं यार, अच्छी कॉलेज चाहिए, अच्छी ब्रांच चाहिए तो करना पड़ेगा। वो अफ्रीका के अंदर कहावत है बेसिकली कि हिरण को इसलिए भागना चाहिए जंगल के अंदर कि शेर ना खा जाए, और शेर को तेज इसलिए भागना चाहिए ताकि हिरण को खा पाए। बिल्कुल सही है, वो इसी को तो कंपटीशन बोल रहे हैं। तो ये जो कंपटीशन है, आगे वाले को तो तेज रहना ही है, पीछे वाले को भी तेज रहना है कहीं ना कहीं तेज कर। बिल्कुल, और ये बात आगे। अच्छा, ये जो ड्रॉप का एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वीडियो इस अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, आगे भी देखा जाएगा, बिकॉज ये यूट्यूब पे भी जाएगा। बाय द वे, जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो चैनल कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, बिकॉज अगर कंटेंट में यूजफुल लगता है तो इसे स्प्रेड भी करो, इसका सबको फायदा मिलना चाहिए। तो ये जो वीडियो जाएगा और काफी समय तक नेट पर रहेगा, तो लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि ड्रॉप करना चाहिए या नहीं चाहिए आज के सिनेरियो में, बिकॉज आज बहुत ऑप्शन है स्टूडेंट, हमारे टाइम पे कुछ और बात नहीं। नहीं, बच्चों के पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, नो डाउट, लेकिन अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए सोच रहा है, तो यार इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में तो बेस्ट ऑप्शन आईआईटीज ही है। और अगर आप आईआईटीज के थ्रू नहीं भी जाते हैं, एनआईटीज में जाना चाहते हैं, तब भी आपको जेईई मेंस तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? और क्योंकि अब जेईई का पैटर्न डाइल्यूट हो गया है, क्योंकि अब वैसा नहीं बचा कि यार बहुत टफ चीज है, वो इतना थ्रेशोल्ड है, उसे क्रॉस करेंगे, उतना आईक्यू होगा तभी हम कर पाएंगे, तो वो चीज बची नहीं है, ठीक है? तो अब एक एवरेज बच्चा भी, लेकिन वो है कि ड्रॉप अगर आप करना चाह रहे हैं और आप आईटी जेईई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक साल का कमिटमेंट रखना है। अगर आप एक साल का कमिटमेंट नहीं रखते हैं, फिर सब वेस्ट है, वो टाइम वेस्ट होगा जबरदस्ती का। वो एक साल सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडीज के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस के लिए जो भी है वो, लेकिन वो एक साल का फुल कमिटमेंट आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज ड्रॉप करना वेस्ट है। तो ड्रॉप करना चाहिए इंजीनियरिंग साइड में अगर जाना चाहते हो, तो इंडिया में तो बेस्ट ऑप्शन यार आईटीज और एनआईटीज या जो अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो जेईई के थ्रू ही एडमिशन लेती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। और अच्छा, क्योंकि मैंने ये ड्रॉप के बारे में, मेरी कुछ पर्टिकुलर व्यूज हैं, क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स कि वो स्टूडेंट जिन्होंने 11th 12th में पढ़ाई नहीं करी थी, अगर वो ड्रॉप लेके पढ़ते हैं तो ठीक बात है, लेकिन किसी ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है ना, तो उसको ड्रॉप लेके ऐसा कोई रैंक के अंदर बहुत फायदा मैंने होते हुए नहीं देखा। अगर किसी ने नहीं कर रखी प्रिपरेशन, नहीं कर रखी, मैंने लेट शुरू किया, एक 11th पूरा ड्रॉप कर दिया और फिर मैं कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत फायदा देखा। अदरवाइज मैंने ड्रॉप के अंदर लोगों का बहुत फायदा होते हुए देखा कहीं ना कहीं। और स्टूडेंट्स ने जैसे कि एक वो बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने शायद हमारे टाइम पे लिया था, जब नंबर ऑफ ड्रॉप कम कर दिए थे, अब तो और भी कम कर दिए, एक ही ड्रॉप है स्टूडेंट के पास, तो कहीं ना कहीं उसको वो टाइम मतलब आगे स्पेशलाइजेशन के अंदर भी यूज कर सकता है वो, तो दैट इज ऑल्सो क्योंकि वन ऑफ द वेज, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर विल बी अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। स्किल ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मे बी कॉलेजेस विल नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, स्किल्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इस बात से मैं मतलब कुछ हद तक एग्री भी करता हूँ, लेकिन जैसे कोई बच्चा है और उसने 11th 12th में पढ़ाई नहीं किया, तो उसे तो ड्रॉप करना चाहिए, है ना? और अगर किसी बच्चे ने 11th 12th की में प्रिपरेशन भी कर ली और वो चाह रहा है कि यार कुछ मिस्टेक्स मेरे से, कुछ कमी मेरे से रह गई थी, वो मैं इस साल ड्रॉप करके कर सकता हूँ, अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि उसे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर किसी कोचिंग में उसे इनरोल करना चाहिए। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि यार किसी कोचिंग में इनरोल जरूर करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि सेल्फ स्टडी में वो प्लानिंग नहीं कर सकता है बच्चा। अगर वो कोचिंग में इनरोल करता ना, तो कोचिंग का एक प्रॉपर मॉड्यूल उसके पास रहेगा कि भाई इस टाइम पर ये सिलेबस होगा, अब ये पेपर है, ये रैंक है, वो एक प्रॉपर पैटर्न में बन जाएगा, तो उससे उसकी प्रिपरेशन में इतना जोर नहीं आएगा। लेकिन वही चीज अगर वो सेल्फ स्टडी में करता है, तो उसको बहुत सारे
चीजें होंगी, कई बार वो थोड़ा सा डगमगाएगा उसकी चीजें, यार करूं कि नहीं करूं, बोर हो गया हूं, तो वो उसे मोटिवेशन और वो उसे कंपटीशन मिल नहीं पाएगा जो उसे अपने जो साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं उनके थ्रू मिल पाएगा। तो मेरा तो ये कि भाई अगर आप सोच रहे हैं एक साल ड्रॉप करने का तो आपको इनरो तो जरूर करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेरे ख्याल से 5 मिनट बचे हमारे पास और अपना डिस्कशन खत्म करते हैं। खुद की प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताओ कि तुमने जो प्रिपरेशन करी उसमें क्या अप्स एंड डाउन थे, कैसी तुम्हारी जर्नी रही, आईआईटी तक कैसे पहुंचे? यार मेरी प्रिपरेशन में मेरे साथ एक छोटा सा इशू ये था कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, है ना, और जो स्टैंडर्ड बुक होती थी वो एच सी वर्मा, विरोडोफ, आपकी एस एल लोनी, इस टाइप की बुक्स होती थी और मॉड्यूल भी इंग्लिश में, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता था। तो चीज़ों को पहले क्लास में जाना, क्लास में जाके प्रॉपर नोट डाउन करना, फिर उसको आप टीचर तो बोलते थे कि भाई आपको एच सी वर्मा लगा नहीं, रोडो के एक क्वेश्चन करके लाने, तो उन चीज़ों को फिर वहां से सीखना, उसको ट्रांसलेट करना थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन टीचर्स से या फिर पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से मिलता रहता था कि भाई तुम कर सकते हो, लगे रहो, हो जाएगा हो जाएगा। और वो चीजें जैसे से आप काम कर तो वो भी चीजें धीरे धीरे करके आ गई और फिर उन चीजों में कंफर्टेबल हो गए। और प्रिपरेशन यार सबका एक जैसा सही होता है लगभग, कि आप मेहनत करेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी, एज सिंपल एज दैट। आप इनपुट डालेंगे तभी आउटपुट मिलेगा, इफिशियंसी कम ज्यादा हो सकती है लेकिन इनपुट तो डालना ही पड़ेगा और वो नॉर्मली सभी लोग करते हैं। और ये जो प्रिपरेशन थी जेई की और जो आईआईटी में पढ़ाई थी उसमें क्या फर्क महसूस किया? यार आईटी जेई की यू डिड आई डिड बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट? ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इसमें जो कोचिंग के टाइम पे जो पढ़ाई करी उसका और जो सारा का सारा ध्यान था वो अलग ही चीजों में रहता था, म्यूजिक में या फिर मूवीज देखने में, सीरियल्स देखने में, गप्पे मारने में। हम तो रूममेट भी रहे, साथ साथ रहे बहुत दिनों तक, तो यू नो मी वेरी वेल। तो लेकिन आईटी का एक अच्छी चीज मुझे जो लगी, मतलब मुझे जो पर्सनल लगता है कि आईटी वो कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी पर्सनालिटी को बना देता है। मतलब आईटी से पहले और आईटी के बाद अगर मैं अपने आप को देखूं तो आई यूज्ड टू बी वेरी शाई पर्सन, बोलता ही नहीं था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता ही नहीं था, चुपचाप रहता था। आईटी में भी काफी टाइम तक मैं ऐसे था, लेकिन वो कॉलेज ने वो जो चीज मुझे दिया ना, वो जो फाइटिंग स्पिरिट की, भाई अरे यार मतलब फाइट मारते हैं, वो फाइट मारने वाली चीज है, वो हॉस्टल वाली है ना, फाइट मारना फाइट मारने वाली चीज है ना, वो कॉलेज देती है। और वो जो फाइट मारने वाली चीज है ना, वही आपको लाइफ में बाकी लोगों से अलग आपको खड़ा कर, तो इसलिए कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर लेकिन अगर वैसे देखेगा तो इस आईटी की वजह से जो फाइटिंग स्पिरिट मिली है वो मुझे काफी मोटिवेट करती है और वो कहीं कहीं मेरे कॉन्फिडेंस के पीछे एक रीजन भी है। हाँ, क्योंकि मेरे को याद है मैं जब आईटी में गया था मुझे लगता था मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मेरी रैंक बहुत खराब आई है। मेरे ख्याल से हर इंसान को यही लगता है जो आईटी में जाता है। तो जब मैं आईटी में गया था मैं देखा कि नहीं, सारे उतने इंटेलिजेंट है, सबके रैंक ही खराब आई है। वहाँ के जो लोग है ना, वो जो जनता है आसपास के लोग, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। हर एक का थॉट प्रोसेस, हर एक का सोचने का तरीका और अपनी चीजों को कम्युनिकेट करने का जो तरीका ना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, और मैंने लोगों से बहुत सीखा। शिवाल से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरीके से चीजें करनी चाहिए। वो शिवाल का थे जो एकदम एथलेटिक्स में, मतलब कहाँ से कहाँ चीजें, मतलब एकदम चेंज। यार ये वो आईटी ही दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है। एक्सपोजर जिस तरह का आईआईटी देता है और जिस तरह से आप अपने पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं, वो एक बहुत डायरेक्शन के अंदर आप उसे ग्रूम कर सकते हैं। खासकर मुझे जो लगा ना, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन आईटी की बहुत स्ट्रेंथ है। जिस तरह के लोग आईआईटी के अंदर एक जगह बंद कर दिए जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके काफी कुछ लर्न कर रहे होते हैं, वो एटमोस्फेयर आई डोंट थिंक कि बाकी जगह मैंने ऑब्जर्व किया। क्योंकि स्टूडेंट शायद बिट्स के अंदर तो है लेकिन बाकी जगह मैंने वैसा मेरे ऑब्जर्वेशन के अंदर नहीं आया। मेरे होता होगा लेकिन मैंने उतना मेरे ऑब्जर्वेशन में नहीं है। नहीं, वो सो आई गेस दैट इज आवर टाइम। चलिए, इट वाज ठीक है, दैट इज आवर टाइम। इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। कल हमारा एक और अनुभव सेशन है, आप स्किल नहीं कर रहे हैं, हम कल फिर से और हम अनुभव कर रहे हैं। उसके अंदर वी विल टॉक विद नीलेश, एंड नीलेश
did his B.Tech from IIT Delhi in electronics. And then he moved on to work in finance sector. तो उसकी जर्नी क्या रही और कि अब क्यों आईआईटी के जो इंजीनियर्स होते हैं फाइनेंस सेक्टर में चले जाते हैं, जो सवाल है लोगों के दिमाग में, आपको ऐसा लगता होगा इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चीज है जो आप पढ़ रहे होते हो, लेकिन अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द आईटीएंस डू नॉट एंड अप बीइंग इंजीनियर. सो व्हाई ही एंडेड अप इन फाइनेंस एंड व्हाट इज व्हाट एन आईटीएन डज इन फाइनेंस सेक्टर, ये हम उससे कल डिस्कशन के अंदर देखेंगे. बाय द टाइम ट्यून इन एट द सेम टाइम 8 o'clock वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक्स देव फॉर कमिंग टू दिस सेशन. It was nice meeting. And maybe after some time, जब लोगों का exam हो जाता है, तो we'll again meet for the counselling. कि क्या branch लेनी चाहिए? Because that should be a very interesting discussion, I guess. Yes, yes. Thank you then. Bye-bye. Thank you.